ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 30 दिसंबर 2020, वेनसडे है, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का और हम देख रहे हैं इस वीक में निफ्टी लगातार नए हाईस क्रिएट कर रहा है। कल ऑलमोस्ट 14,000 के पास पहुंच गया था निफ्टी इंडेक्स, लेकिन कहां पर रेजिस्टेंस था ये हमने फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू लेवल्स को प्रोजेक्ट किए थे, इस वीडियो में भी देखेंगे वो नेक्स्ट लेवल कहाँ पर है रेजिस्टेंस का, 14,000 के लिए क्या कुछ हर्डल बन सकता है या फिर वहाँ से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी ये 29 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने किया है तो आपको वीडियो लिस्ट में भी वो मिल जाएगा। कल का ब्रेकआउट लेवल हमारा बन रहा था 13,901 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 13,855। ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। शुरू में तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता क्योंकि ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ओपन हुआ और तेजी से ऊपर गया है, और जैसे फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ आया और ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने, जहाँ पर 100 EMA का ये ग्रे लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक किया। तभी ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 13,916 अचीव्ड हुआ, सेकंड टारगेट भी 13,930 ये भी अचीव्ड हुआ और ऑलमोस्ट क्लोज, दिन का क्लोज भी ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट के पास हुआ है। तो काफ़ी कल भी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 13 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 9,750 का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। मार्केट काफ़ी चौपी हो रहा है क्योंकि FII का एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी स्लो हो चुकी है। यूरोप और US में देखें तो क्रिसमस की छुट्टियां चल रही है, ईयर एंड है, तो यहाँ पर हमेशा एवरी ईयर देखा जाता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम FII की तरफ से थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, एक चौपीनेस में मार्केट ट्रेंड करते हुए नज़र आता है। तो ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। सबसे पहले US मार्केट देखें तो कल वहां पर एक हल्का सा करेक्शन आता हुआ देखा, काफ़ी चौपी मार्केट था पूरा दिन और उसके बाद एक हल्के से गिरावट के साथ बंद हुआ। नासडैक करीब 49 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोप में मिला जुला कारोबार बरकरार है, लास्ट 2 मंथ से एक साइडवेज जोन में, एक बोरिंग फेज में यूरोपियन मार्केट्स देखने को मिल रहा है। हालांकि एशियाई बाजार देखे अभी तो SGX निफ्टी 66 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, हालांकि जापानीज इंडेक्स 155 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर भी देखें तो ऑलमोस्ट ऊपरी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, 53 पॉइंट की बढ़त इस समय दिखा रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से इस समय हल्के से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। RSI ओवरबॉट जोन में है, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाना रिस्की साबित हो सकता है। बार बार कहते आ रहे हैं हर एक नए लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट बुक करना ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अगर ये देखे तो रेजिस्टेंस लेवल कैसे है, इसने हर एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एक करेक्शन दिखाया। तो यहाँ पर स्विंग हाई लो को पकड़ के हमने ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, तो इसके एक एक लेवल से अचीव करता हमें दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट में। अभी 14,000 का माइलस्टोन अचीव करने के जस्ट कुछ सीढ़ियाँ दूर है निफ्टी इंडेक्स। देखते हैं आज ये हो पाता है या फिर नेक्स्ट ईयर ये हो पाएगा। SGX निफ्टी अभी 66 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है, हो सकता है गैप अप ओपन हो और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करके प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले। हालांकि ये वीकली चार्ट में हम देख रहे हैं, वीकली चार्ट में लास्ट स्विंग लो मिला था अक्टूबर में, ये आप देख सकते हैं, ये अक्टूबर मैंने कहा कैंडल्स है वीकली चार्ट में। उसके बाद लगातार हायर आए हायर लोज बनते हुए निफ्टी इंडेक्स 14,000 की तरफ बढ़ रहा है, तो एक स्विंग लो यहाँ पर बनना भी काफ़ी
जरूरी है। तो यहाँ पर कहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ये इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेडिंग प्लान यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। डेली चार्ट को देखें तो डेली चार्ट में कल जैसे कि ये पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला, ये स्पिनिंग टॉप का फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बनता है जब ओपन और क्लोज पास ही होते हैं और ऊपर और नीचे एक सेम डिस्टेंस पे शैडो बनता है। तो यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनता है तो ये स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज ये बुलिश कैंडल जो कि हायर आया हायर लोस का पैटर्न बन रहा है लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में डेली चार्ट में हमने देखा है, तो यहाँ पर और भी ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। यहाँ पर कल 13,967 का हाई के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। इस लेवल को हमने प्रोजेक्ट किया था आर्ली चार्ट में फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को यूज करके। कल का वीडियो अगर आपको आपने देखा होगा तो आपको याद होगा ये लो, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो को पकड़ के हमने ड्रॉ किया था। एग्जैक्ट 61.8% के लेवल के पास इसने ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, उसके बाद क्लोज भी हुआ है 50% का। ये जो लेवल है 13,930 उसी के पास इसने 3 घंटे यानी 3 आवर्स कंटिन्यू यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और क्लोज भी इसी लेवल के पास आकर ये हुआ। तो ऊपर अभी आज क्या ब्रेकआउट लेवल हो सकते हैं ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स अगर चलता है तो ये जो कल का हाई है इसके ऊपर जस्ट ये पिवट पॉइंट का R1 का लेवल, तो इसको ब्रेक होने दीजिए कंफर्टेबली 13,980 को। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,000 जो कि माइलस्टोन है, साइकोलॉजिकल बैरियर भी हो सकता है यहाँ पर। और उसके बाद सेकेंड टारगेट होगा 14,090, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। कल के जैसा अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट करें, फिर से जब ये टूवर्ड साउथ की तरफ आए और ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करे तभी एंट्री लेना फायदेमंद साबित हो सकता है। अदरवाइज ये ट्रेडिंग जोन नहीं बनता। अगर गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तभी आप इसमें गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के बाद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और उसके बाद अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो कल का लोएस्ट क्लोज जो है जहाँ से निफ्टी फिर से बाउंस बैक देखने को मिला था, तो लोएस्ट क्लोज होता है 13,882 के पास। इसको अगर ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ और सस्टेन करता है इस लेवल के नीचे तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,866, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 13,848, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।